हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डिस्कवरी चैनल पर आए एक ऐसे सर्वाइवर शो का एपिसोड जिसे हम 90s किड ने बहुत देखा है, लेकिन शायद ही किसी को उस शो का नाम याद होगा। उस शो का नाम था आई शुडंट बी अलाइव। इस सीरीज का हर एपिसोड रियल स्टोरी पर बेस है और आज मैं वॉक इन हेल नाम के एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड में हम देखेंगे 5 लड़के और उनके लीडर फन एडवेंचर के लिए ग्रैंड कैनन नाम की जगह हाइकिंग के लिए जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें हीट वेव मिलने वाली थी और जब उनका पानी खत्म होगा उनकी ये फन एडवेंचर ट्रिप जिंदगी और मौत के बीच की जंग में बदल जाएगी। लेकिन 3 लड़के इस सर्वाइवर में सबसे आगे निकलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए अपनी बचपन की यादें ताजा करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है पहले दिन सुबह 8 बजे से। पिछली रात इस मैदान में कैंपेनिंग करने के बाद ग्रुप हाइकिंग करते हुए ग्रैंड कैनन के नीचे उतरने वाला था। उस ग्रुप में 3 करीबी दोस्त थे, डेविड, जॉर्डन और मार्क। तीनों ही एक दूसरे के पड़ोसी थे और साथ में ही स्कूल गए थे। तीनों साथ मिलकर अपना कैंप रैपअप कर रहे थे। मार्क का बैग काफी भारी था क्योंकि वो कल सुबह के लिए अपने साथ नाश्ता भी लेकर चल रहा था। तीनों बहुत अच्छे दोस्त है। ये जून का महीना था और इस समय आम दिनों से ज्यादा गर्मी थी। ग्रैंड कैनन घाटी में जाने का सबसे पहला रूल है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा पानी होना चाहिए, इसीलिए सभी के पास पानी था। अब एक छोटी सी मीटिंग के बाद ग्रुप आगे बढ़ता है। गाय नाम का आदमी इस ग्रुप का लीडर है, उसके साथ नेविगेशन इंचार्ज लॉरेन भी था। लॉरेन अपने साथ अपने भाई को भी लाया है। डेविड इस ट्रिप के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अब कुछ घंटे चलने के बाद ग्रुप ग्रैंड कैनन के उत्तरी किनारे पर पहुंचा। वहां से घाटी का व्यू बहुत खूबसूरत था। द ग्रैंड कैनन 80 किलोमीटर तक फैली बहुत ज्यादा गहरी और दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। इतनी बड़ी होने की वजह से वहाँ का वातावरण हाइकिंग के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन तीनों को वहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उन्हें उस किनारे से नीचे उतरना है। वो कुछ घंटों पहले ही अपने कैंप की जगह छोड़ चुके थे। अब उन्हें मुश्किल रास्ते से हाइकिंग करते हुए 4000 फीट नीचे उतरकर कोलोराडो नदी तक पहुंचना है। फिर नदी से पानी लेकर ग्रुप आसान रास्ते से वापस आ जाएगा। इस ट्रिप में 7 दिन लगने वाले थे। कुछ मिनटों बाद रास्ता खत्म हुआ। अब उन्हें घाटी से नीचे उतरना शुरू करना है। रास्ता खत्म होते ही जॉर्डन को दिखाई दिया, रास्ता बहुत पथरीला हो गया है। अब यहाँ से उनकी मुश्किल हाइकिंग शुरू होने वाली है। हर साल यहाँ 300 हाइकर मुसीबत में फंसते हैं, जिनमें से 200 को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन बाकी इतने किस्मत वाले नहीं होते। बाकी हाइकर्स यहाँ मारे जाते हैं और पगडंडी से ना जाने पर मुसीबत में पड़ने का खतरा और बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद लॉरेंस सभी को बताता है वो अभी शूट नाम की जगह पर है। शूट 1 किलोमीटर लंबा नीचे उतरने का बहुत पथरीला रास्ता है। वहाँ मौजूद पत्थर ढीले और खतरनाक है। जब जॉर्डन ने उस जगह को देखा उसे तुरंत ही समझ आया यहाँ से नीचे उतरना बहुत मुश्किल होने वाला है। उनमें से किसी के पास रेडियो नहीं था, उस जगह मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आता। अगर यहाँ से किसी को कोई चोट लगी तो उसे खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। अब ग्रुप धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तीनों दोस्तों में हाइकिंग का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस डेविड को था, इसीलिए एक जगह पहुंचकर डेविड दोनों को बिना बैग के नीचे उतरने कहता है। पहले एक आदमी बिना बैग के नीचे उतरता है, फिर दूसरा बंदा उसे ऊपर से बैग देता है। अब ऐसे ही सभी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, लेकिन अब ये हाइकिंग और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक जगह मार्क फिसलकर गिरते गिरते बचता है। ये ऐसी जगह है जहां आपका एक गलत कदम आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अब इतनी गर्मी में हाइकिंग करते हुए थकावट की वजह से ग्रुप लीडर गाय को भी आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। वहां एक एक कदम रखना भी बहुत मुश्किल था। तभी अचानक गाय के पैर के नीचे का पत्थर खिसकने से वो तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही वो एक पेड़ के तने से टकरा कर रुक गया। लेकिन वो पेड़ का तना उसके टांगों के बीच लगा था। ये ह्यूमन बॉडी की सबसे नाजुक जगह होती है। गाय को मार्क, डेविड और जॉर्डन संभाल कर नीचे ले जा रहे थे। गाय काफी लकी था क्योंकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब शूट से नीचे उतरने के 2 घंटों बाद सभी समतल जगह आ चुके थे। वो हजारों फीट नीचे उतर चुके हैं और बहुत थक भी चुके हैं, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकते, उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। तापमान लगातार बढ़ रहा था। बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर 42 डिग्री तक पहुंच चुका था। मार्क काफी परेशान हो रहा था, लेकिन डेविड लगातार उसे दिलासा दे रहा था। लेकिन ग्रैंड कैनन में हीट वेव भी आ गई जिससे टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुंच गया। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि आज टेम्परेचर इतना भी पहुंच सकता है। उन्हें लगा था ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 या 35 डिग्री तक पहुंच सकता है, लेकिन उनका अंदाजा बिल्कुल गलत साबित हुआ। और जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते पर धूप और गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं था, इसीलिए मजबूरन उन्हें धूप में ही आगे बढ़ते रहना पड़ा, जिससे लगातार वो डिहाइड्रेट होते रहे और उन्हें उम्मीद से ज्यादा पानी पीना पड़ रहा था। अब हाइकिंग के पहले ही दिन चीजें खराब होने लगी। इतनी गर्मी की वजह से उनके पास का
75% पानी खत्म हो चुका था, इसीलिए उन्हें जितनी जल्दी हो सके नदी तक पहुंचना होगा। लेकिन अभी भी नदी उनसे 2000 फीट नीचे है, जहां उन्हें पहुंचने में कम से कम 1.5 दिन लगेगा। लेकिन ऐसी गर्मी में वो उतना तेज भी नहीं चल पा रहे थे। लेकिन इस जगह सिर्फ गर्मी ही उनकी परेशानी नहीं थी। दरअसल चलते चलते अचानक मार्क ने देखा डेविड के बैग पर एक बिच्छू बैठा है। मार्क ने तुरंत ही उसे हिलने से मना किया, फिर जॉर्डन ने उसे एक लकड़ी से हटाया। उस बिच्छू को देखकर तीनों सोच रहे थे उसे मार दे या छोड़ दे। साथ ही उन्हें ये भी याद आया, यह सिर्फ बिच्छू ही उनकी जान का दुश्मन नहीं है, क्योंकि यहाँ बिच्छू के साथ हजारों रेटर स्नेक भी है, और गलती से उन्हें किसी रेटर स्नेक ने काट लिया तो उनकी मौत तो निश्चित है। तब उन्होंने उस बिच्छू को नहीं मारा और उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। कुछ घंटों बाद इतने लंबे और गर्म दिन के बाद शाम हुई। सभी बहुत ज्यादा थके हुए थे। डेविड जितना हो सके अपने दोस्तों को मोटिवेट रखने की कोशिश कर रहा था। दरअसल डेविड को उस जगह से रिवर दिखाई दी। उसने तुरंत मार्क और जॉर्डन को वो नदी दिखाई, लेकिन जॉर्डन ने बताया नदी यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन फिर भी डेविड ने उनसे कहा वो सोचे नदी के पास पहुँच कर वो ठंडा पानी पियेंगे, वो कल बस कुछ घंटों के सफर के बाद नदी तक पहुँच जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये थी उन्हें अभी और भी मुश्किल रास्ते से गुजरना है, और उनका पानी लगभग खत्म हो चुका है। गाय परेशान था कि वो नदी तक पहुंच पाएंगे या नहीं। जॉर्डन रेडी टू ईट नूडल बना रहा था, लेकिन मार्क उसे नूडल बनाने से रोक देता है, क्योंकि उन्हें पानी की एक एक बूंद बचानी थी। और डेविड कच्चे नूडल ही खा रहा था ताकि उनके शरीर को ताकत मिलती रहे, लेकिन मार्क का कुछ खाने का मन नहीं था। रात में मार्क काफी परेशान था, क्योंकि उसे भरोसा नहीं था वो नदी तक पहुंच पाएंगे या नहीं। लेकिन तब भी डेविड ने उसे उम्मीद दी कि वो कल शाम तक नदी के पास होंगे। जॉर्डन भी उससे सहमत था, क्योंकि इस धूप में जलकर मरने से बचने का एक ही रास्ता है, उन्हें नदी तक पहुंचना ही होगा। उन्हें सुबह जल्दी उठकर गर्मी बढ़ने से पहले निकलना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। अब अगला दिन निकला, सब बहुत थके हुए थे इसीलिए जल्दी जाग नहीं पाए, और सुबह 8 बजे ही गर्मी बहुत ज्यादा थी। फिर सभी आगे बढ़ने लगे, लेकिन गाय को समझ आ रहा था पसीना निकलने से उसकी बॉडी से लगातार पानी खत्म हो रहा है, और पानी ना मिलने पर बहुत ही जल्द वो डिहाइड्रेट होगा, जिससे उसे हेलुसिनेशन होंगे, फिर उसका ब्लड प्रेशर गिरेगा और वो बेहोश हो जाएगा। अब दोपहर होने से पहले उन्हें फिर एक पथरीले रास्ते से उतरना था। सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, और जैसा तीनों ने सोचा था शाम तक वो नदी के पास हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी नदी से बहुत दूर थे। अब उन्हें पानी की भी प्रॉब्लम होने वाली थी। मार्क की बोतल का पानी खत्म हो चुका था, और जॉर्डन का उससे भी पहले। तब डेविड ने एक अच्छे दोस्त की तरह अपना पानी उन दोनों के साथ शेयर किया। वो चाहता तो अपनी बोतल अपने ही पास रख सकता था, लेकिन उसने अपना ज्यादातर पानी दोनों में बांट दिया। डेविड के पीने के बाद उसके पास का पानी भी खत्म हो चुका था, और पानी के लिए उन्हें नदी तक पहुंचना है। लेकिन अभी आधा दिन बाकी है, और उनके पास उनकी जिंदगी बचाने वाला मतलब पानी ही खत्म हो चुका है। तब डेविड ने दोनों को समझाया उन्हें अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए जितना जल्दी हो सके नदी तक पहुंचना होगा। लेकिन आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा परेशानी गाय को हो रही थी, वो सबसे पीछे था। अब थकावट और पानी की कमी की वजह से उसके लिए आगे चल पाना नामुमकिन था। अब उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। जब ग्रुप नीचे पहुंचा तब उन्होंने नोटिस किया गाय तो उनके साथ है ही नहीं। तब लॉरेन ने उसे आवाज दी, और गाय ने उसे जवाब दिया। गाय की आवाज से सबको समझ में आ चुका था वो बहुत पीछे रह गया है। गाय को अब लग नहीं रहा था वो और आगे चल सकता है। ये सुनते ही जॉर्डन ने कहा उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, लेकिन लॉरेंस गाय के आने तक रुकना चाहता था, क्योंकि वो बस उसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। जॉर्डन को पता था गाय के आने का इंतजार करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तब उसने लॉरेंस से कहा अगर वो अभी आगे नहीं बढ़े तो सब मारे जाएंगे, उसे यही बैठे बैठे इंतजार करते हुए मरना नहीं है। गाय को पानी की जरूरत है, और उन्हें जाकर उसके लिए पानी लाना होगा। उसका यहाँ इंतजार करना बेवकूफी होगी। लॉरेंस के लिए गाय को पीछे छोड़ने का फैसला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसे ये भी पता था जॉर्डन बिल्कुल सही है। उन्होंने गाय को पीछे छोड़ा तो वो मर सकता है, लेकिन उन्होंने उसका वेट किया तो सब मर सकते हैं। तब उसने चिल्लाकर गाय से कहा वो नीचे नदी के पास जा रहे हैं और वो उसके लिए पानी लेकर लौटेंगे। तब गाय ने रोते हुए उससे लड़कों का ध्यान रखने कहा। मार्क ने किसी की ऐसी आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, क्योंकि गाय को पता था उनके लौटने तक शायद वो जिंदा नहीं बचेगा। तब बड़ी मुश्किल से सभी ने आगे बढ़ना शुरू किया। गाय को पीछे छोड़ना उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए आपको वो सब करना पड़ता है जो करना जरूरी है। अब 2 घंटों बाद सभी को बहुत प्यास लगी थी। लॉरेंस ने पानी मांगा, लेकिन किसी के पास पानी नहीं था। तभी लॉरेंस को कुछ याद आया जिससे उनकी जान बच सकती है। यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक छोटी सी नहर बहती है। दरअसल पिछले जून के महीने में लॉरेंस ने उस नहर में पानी बहते हुए
देखा था। ये सुनते ही डेविड पानी लाने तैयार हो गया। लॉरेंस ने उसे रास्ता बताया और डेविड तुरंत कुछ बोतल लेकर उस तरफ चल दिया। इस धूप में एक घंटा दूसरी तरफ चलने से डेविड और ज्यादा डिहाइड्रेट और थक जाएगा, लेकिन वहाँ पानी मिल गया तो उसकी मेहनत बेकार नहीं होगी। एक घंटा चलने के बाद डेविड उस नहर तक तो पहुँचा, लेकिन अब वो नहर पूरी तरह सूख चुकी थी। वहाँ सिर्फ सूखी मिट्टी थी। ये देखकर डेविड को खुद पर बहुत गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद डेविड ने वापस आकर सभी को बताया वो नहर सूख चुकी है। ये सुनकर सभी को बहुत निराशा हुई, मतलब अब उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। कोलोराडो नदी का पानी ही उनकी जान बचा सकता है, इसीलिए ग्रुप ने फिर से चलना शुरू किया। अब दोपहर के 2 बजे टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुँच गया था और अभी भी नदी उनसे बहुत दूर थी। थकावट और पानी की कमी की वजह से सभी की बॉडी बहुत कमजोर होने लगी थी, जिससे उनकी रफ्तार भी कम हो गई। अब एक जगह से नीचे उतरते समय लॉरेंस नीचे गिर पड़ा, क्योंकि इन हालात में जवान लड़कों की हालत भी खराब थी और लॉरेंस तो 71 साल का है, इसीलिए उसने गिव अप कर दिया। उसने कहा अभी गर्मी बहुत है, इसीलिए उन्हें यह छांव में रुककर शाम को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि धूप ना होने से उनकी बॉडी से पानी जल्दी खत्म नहीं होगा। तब दो लड़कों और लॉरेंस के भाई ने उसकी बात मान ली, लेकिन तीनों को ये ठीक नहीं लग रहा था। जॉर्डन कहता है अभी सूरज डूबने में बहुत टाइम है, उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा, लेकिन आगे का रास्ता लॉरेंस को पता है, इसीलिए उन्हें लॉरेंस से रास्ता पूछकर आगे बढ़ना होगा। तब उसने दोनों से पूछा उन्हें यही बैठे बैठे मरना है या कोशिश करते हुए मरना है। तब डेविड और मार्क भी उसकी बात मान गए। ग्रुप लीडर के बिना आगे बढ़ना बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन फिर भी तीनों लॉरेंस से रास्ता पूछकर आगे बढ़ने लगे। उन्हें नदी तक पहुंचकर सभी के लिए पानी लेकर वापस लौटना है। वहीं दूसरी तरफ गाय एक चट्टान के नीचे बैठा था। उसकी बॉडी में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि उसका पसीना तक निकलना बंद हो गया था। उसने खुद पसीना निकालने की बहुत कोशिश की, क्योंकि उसका पसीना निकलता तो हवा चलने से उसे थोड़ी ठंडक महसूस होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाय की हालत खराब होती जा रही थी। अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचा तो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। अब उसके लिए अपने हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल था। अब ग्रुप 3 हिस्सों में बढ़ गया था। एक तरफ गाय अकेला था, दूसरी तरफ तीनों दोस्त नदी की तरफ बढ़ रहे थे और तीसरी तरफ लॉरेंस बाकी लोगों के साथ था। लेकिन लॉरेंस को तीनों की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए उसने अपने भाई और बाकी दो लड़कों को डेविड, मार्क और जॉर्डन के पीछे भेज दिया। इस तरफ तीनों लड़के आगे बढ़ रहे थे। अब वो नदी से बस कुछ किलोमीटर ही दूर है। उन्हें अपने सामने नदी दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है, क्योंकि लॉरेंस के मुताबिक वहाँ से नदी के पास उतरने के लिए एक आसान रास्ता होना चाहिए था। लेकिन वो तीनों एक 200 फीट खड़ी चोटी पर थे, जहाँ से नीचे उतरना अपनी मौत को बुलाना है। वहाँ डेड एंड था, वहाँ से उन्हें नीचे उतरने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मार्क जॉर्डन से पूछता है अब वो क्या करे, लेकिन जॉर्डन और डेविड दोनों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सबको पता था उनका ग्रुप 7 दिनों की हाइकिंग पर गया है, इसीलिए 6 दिनों से पहले उन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। इसीलिए अपनी हार मानकर तीनों दो चट्टानों के बीच जाते हैं, जहाँ धूप नहीं आ रही थी। अब अपनी मौत का इंतजार करते हुए तीनों वही लेट गए। दूसरी तरफ गाय ने भी बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने सोचा यहाँ से गुजरने वाले प्लेन्स को वो दिखना चाहिए, ताकि मरने के बाद उसकी बॉडी आसानी से ढूंढी जा सके। उसके बैग में एक इमरजेंसी ब्लैंकेट था, वो फॉइल पेपर जैसी चमकदार पन्नी थी। गाय ने अपनी बची हुई ताकत जमा करके उसे चट्टान के ऊपर पत्थर रखकर सेट कर दिया। वही इस तरफ तीनों लड़कों को पता था प्यास से जल्दी ही धीरे धीरे उनकी मौत होने वाली है। अब जॉर्डन को बॉडी पेन और सिर दर्द होने लगा था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ काफी आराम मिल रहा था, इसीलिए अब उसे अपनी जगह से उठना नहीं था। मार्क सोच रहा था वो अभी 16 साल का हुआ है, उसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा और बिना अपने परिवार से मिले वो सिर्फ 16 साल की उम्र में ही मरने वाला है। उसने डेविड से पूछा उनका क्या होगा, क्या वो जिंदा बच पाएंगे, लेकिन सभी को हिम्मत देने वाले डेविड ने भी कहा अब कुछ नहीं हो सकता, वो यहाँ मरने वाले है। थोड़ी देर बाद डेविड ने जॉर्डन से पेन मांगा ताकि अपने मॉम डैड के लिए कोई मैसेज लिख सके। तब जॉर्डन ने उससे कहा वो बेवकूफ ना बने, वो मरने नहीं वाले, लेकिन असल बात तो ये थी वो अपनी जगह से हिलना नहीं चाहता था। अब थोड़ी देर बाद ही मार्क को नींद आ गई। तब उसने सपना देखा उसकी बॉडी कॉफिन में रखी है, उसके आसपास उसके छोटे भाई और मॉम डैड रो रहे हैं। ये सपना देखते ही उसकी नींद खुल गई। तब उसे हिम्मत मिली, उसने सोचा उसे यहाँ इस तरह नहीं मरना। उसने अपनी ताकत जुटाई और वहाँ से बाहर निकलने लगा। बाहर आकर मार्क ने अपना बैग नीचे फेंक दिया, क्योंकि उसे नीचे उतरकर बैग की जरूरत पड़ने वाली थी। तब जॉर्डन और डेविड भी बाहर आए। इतनी कमजोर हालत में इतनी बड़ी पहाड़ी से नीचे क्लाइंब करना लगभग खुदकुशी थी, लेकिन मार्क ने फैसला कर लिया था वो नीचे उतरने की कोशिश करेगा, चाहे इस कोशिश में वो मर क्यों ना जाए। तब उसने जॉर्डन और डेविड को भी समझाया उन्हें कोशिश करनी ही पड़ेगी। ऐसी पहाड़ी से उतरना एक्सपीरियंस क्लाइंबर के लिए भी खतरनाक होता है, और बिना रस्सी से नीचे उतरना मार्क के लिए तो खुदकुशी ही थी, क्योंकि उसने कभी माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं की थी। लेकिन फिर भी संभल संभल कर मार्क नीचे उतर रहा था। थोड़ा नीचे उतरते ही उसने जॉर्डन
गॉर्डन और डेविड को आवाज दी और उन्हें भी नीचे उतरने कहा। दोनों उसे धीरे धीरे नीचे उतरते हुए देख रहे थे। तब डेविड ने जॉर्डन को भी चलने कहा। जॉर्डन ने भी सोचा उसका मरना तो तय है, तो क्यों ना कोशिश करते हुए मरा जाए। अब डेविड ने नीचे उतरना शुरू किया। जॉर्डन ने नीचे उतरने में उसकी मदद की, लेकिन थोड़ा नीचे जाते ही जॉर्डन ने उससे पूछा, अगर वो नदी तक पहुंच गए तो दूसरों को पानी कैसे लाकर देंगे, क्योंकि गाय और बाकी लोग उन्हीं की उम्मीद में बैठे हैं और वहां से वापस ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, मतलब पानी लेकर वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अब जॉर्डन ने भी उतरना शुरू किया। दोनों नीचे उतर रहे थे। मार्क उनसे काफी नीचे पहुंच गया था। काफी देर तक तीनों नीचे उतरते रहे। थोड़ी देर बाद मार्क फाइनली नीचे पहुंचा। नीचे उतरते ही उसे पानी की आवाज सुनाई दी, मतलब नदी करीब है। उसने तुरंत ही जॉर्डन और डेविड को बताया उसे नदी की आवाज सुनाई दे रही है। उस समय जॉर्डन ने देखा डेविड काफी स्ट्रगल कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जॉर्डन और डेविड भी इतनी खतरनाक पहाड़ी से सही सलामत नीचे उतर आए। नीचे आते ही तीनों ने खुश होकर एक दूसरे को गले लगाया। जॉर्डन ऐसी क्लाइंबिंग दोबारा कभी नहीं करना चाहता, लेकिन डेविड की हालत खराब होती जा रही थी। उसे हीट स्ट्रोक हो गया था। हमारी भाषा में कहे तो डेविड को लू लग गई थी। उसे तुरंत पानी की जरूरत है। तब जॉर्डन और मार्क ने उसे संभाला। वही दूसरी तरफ गाय की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो हिल भी नहीं सकता। तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने देखा उससे कुछ ही दूरी पर एक रेटर स्नेक है। रेटर स्नेक अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे आक्रामक सांप है। उसके जहर की कुछ बूंदे ही गाय को मारने काफी थी। अब गाय को काफी डर लग रहा था, क्योंकि सांप ने उस पर हमला किया तो उसमें इतनी भी ताकत नहीं कि वो सांप के हमले से बच पाए। सांप कुंडली मारकर उसे ही देख रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से वो सांप उसे बिना कुछ किए ही चला गया। वही इस तरफ पहाड़ी से उतरने के एक घंटे बाद भी चलते हुए तीनों को नदी नहीं मिली थी। तीनों पानी की आवाज सुनते हुए चले जा रहे थे। उन्हें लग रहा था नदी बहुत करीब है, बस थोड़ी देर में ही नदी उनके सामने होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद डेविड ने उन्हें बताया उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, उससे चलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन आगे बढ़ते रहने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। थोड़ी देर बाद जॉर्डन थककर नीचे बैठ गया। तब डेविड एक टूटे हुए पेड़ के सहारे खड़ा था। मार्क ने कहा वो बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन तब डेविड नीचे गिर पड़ा। जॉर्डन और मार्क ने तुरंत उसे जाकर देखा। डेविड की सांसें उखड़ रही थी और उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगी थी। तब मार्क ने तुरंत जॉर्डन को पानी लाने कहा। जॉर्डन बोतल लेकर सीधे नदी की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ा आगे जाकर जॉर्डन को पता चला वहां से नदी सिर्फ 100 यार्ड दूरी पर है। उसे अपने सामने नदी दिखाई दी। सबसे पहले तो जॉर्डन ने नदी में जाकर पानी पिया, क्योंकि इस पानी के लिए उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है। फिर पानी लेकर वो डेविड के पास पहुंचा। मार्क ने तुरंत डेविड को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन डेविड पानी निगल नहीं रहा था, इसीलिए उसकी बॉडी ठंडी करने उन्होंने डेविड को भिगोना शुरू कर दिया, लेकिन पानी खत्म हो गया था। तब मार्क पानी लेने गया। तब थोड़ा आगे जाकर उसे भी नदी दिखाई दी। मार्क भी जाकर नदी में कूद पड़ा। पहले उसने थोड़ा पानी पिया और जब वो बोतल में पानी भर रहा था उसे सामने एक नाव दिखाई दी। वह नाव दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। तब मार्क ने बिना देर किए उन लोगों से मदद मांगी। जॉर्डन को भी मार्क के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये उनका लक ही था कि वो लोग डॉक्टर्स थे। वो भी छुट्टियां मनाने फन ट्रिप पर आए थे। उन्होंने तुरंत डेविड का ट्रीटमेंट शुरू किया। जॉर्डन को ये जानकर सुकून मिला कि वो सब डॉक्टर्स है, मतलब डेविड सही हाथों में है। बाकी लोग डेविड का इलाज कर रहे थे। उनमें से एक के पास वॉकी टॉकी था। उसने तुरंत इमरजेंसी को बुलाया, लेकिन अब शाम हो चुकी थी। चॉपर उन्हें कल सुबह ही लेने आ सकता था, मतलब अब पूरे ग्रुप को रेस्क्यू किया जाएगा, लेकिन कल सुबह। अब रात के 10 बजे तक डॉक्टर डेविड का ट्रीटमेंट करते रहे। मार्क और जॉर्डन दूर बैठे डेविड के लिए दुआ कर रहे थे कि उनके दोस्त को कुछ ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आदमी ने उनके पास आकर बताया उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन डेविड बच नहीं पाया। तब जॉर्डन को समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। सामने डेविड की लाश को कवर किया जा रहा था। दोनों के लिए डेविड की मौत को मानना मुश्किल था, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही डेविड उनके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब वो मर चुका है और अब वो फिर कभी उससे बात नहीं कर पाएंगे, उसे देख नहीं पाएंगे। दोनों बस डेविड को देखते रहे। अगला दिन निकलते ही रेस्क्यू चॉपर निकला। उसने बाकी लोगों को भी ढूंढ लिया और अपने इमरजेंसी ब्लैंकेट की वजह से गाय को भी आसानी से ढूंढ लिया गया। सभी एक जगह फिर से मिले। सभी डेविड की मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी थे, क्योंकि ट्रिप की शुरुआत में डेविड ही सबसे खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वो मर चुका है। प्रेजेंट टाइम में जॉर्डन एक पुलिस ऑफिसर है और मार्क एक डेंटिस्ट बन चुका है। दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त है, लेकिन दोनों कभी डेविड को भूल नहीं सकते। दोनों डेविड के परिवार के टच में है। शायद आपने ध्यान ना दिया हो, लेकिन असल में डेविड ने ही उनकी जान बचाई थी। याद कीजिए, अगर डेविड अपना पानी दोनों को ना देता तो शायद वो अभी तक जिंदा नहीं होते। या फिर जब लॉरेंस को लगा था आधा किलोमीटर दूर नहर है और डेविड उस नहर में पानी लाने नहीं जाता तो शायद अभी भी जिंदा होता, क्योंकि नहर तक जाने और वापस आने में उसे 2 घंटे लगे थे। अगर वो सूखी नहर तक नहीं जाता तो उसमें इतनी ताकत तो जरूर होती कि वो
आसानी से नदी तक पहुंच सकता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।